तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं आपका भाई उज्ज्वल, और आप लोग जो ये पौधा देख पा रहे हो, ये अगरवुड का पौधा है जो कि अपने बिहार के क्लाइमेट में मैंने लगाया है। बिहार आरा में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो अगर का पौधा है, ये सबसे महंगा, दुनिया का सबसे ज़्यादा महंगे लकड़ी जो बिकते हैं उनमें से एक है। एंड इस लकड़ी को आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लगाया इस पेड़ को, सॉरी। तो यहाँ पे इसके अंदर से मैंने एक्चुअली मैं 20 दिन पहले इस पौधे को लगा चुका हूँ। एंड इसके अंदर आप देख सकते हो कि कोमल कोमल पत्ते आने शुरू हो चुके हैं। अभी तक ये पेड़ सर्वाइव कर रहा है। और बेसिकली इसके अंदर मेरे को प्रॉब्लम क्या देखने को मिला, तो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, ये पौधे को मैंने थोड़ा ऊंचाई पर रख के बनाया है, मतलब इसको जो बोया है मैंने, तो इसको आप बोल सकते हो कि जिसका प्लांटेशन मैंने करा है थोड़े ऊँचे मिट्टी करके। एंड इसमें बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या देखने को मिल रहे हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग, ऐसे बोला जाए तो ये पेड़ जब 6 फीट 4 फीट की हाइट पे हो जाता है तो ये सूखने का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है इसमें, तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें जो अपने कीट होते हैं, तो ये कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसको नाश करना पड़ेगा अपने को। इसका फर्टिलाइजर मैं आपको बताऊंगा, जो भी इसका फर्टिलाइजर होता है मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, किसी वीडियो में अगर आप कमेंट करते हो तो। फिलहाल तो मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने लिए फर्टिलाइजर बनाने का, जो कि मैं बनाऊंगा, और वो भी आप घर के किसी सामान से बना सकते हो, ना कि आपको बाहर दुकान पर जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेरे को देखने को मिल रहा है, और ये जो बेसिकली स्पाइडर्स होते हैं ना, मकड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं, वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कर रही है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो, उससे ही प्रॉब्लम मेरे को सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और इसके जो भी नए नए कोमल कोमल पत्ते निकल रहे हैं उनको खा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पौधा आप लोग देख पा रहे हो, इस पौधे को सूखने पे मजबूर कर दिया इसने। एंड यस गाइस, ये पौधे पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डेली हटाता हूँ, एंड डेली ही लग जाते हैं ये लोग, एंड सूखने पे मजबूर कर दिया इस पौधे को। लेकिन मज़े की बात तो ये है, जो मेरे लिए खुशी की बात है, कि नीचे से टहनी निकल रहा है, तो मेरे को अभी ज़्यादा अफसोस तो नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये पौधा जी नहीं पाएगा ऊपर से, एंड बाकी नीचे से तो टहनी निकलेगा तो वो जी पाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, ये पौधा मैंने टोटल ये यहाँ पे एक लगाया है। ये टोटल पौधों का जो डिस्टेंस है वो 8 फीट का है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ये टोटल इतने लाइन बाय लाइन मैंने पौधे यहाँ पे लगाए हैं, बिल्कुल ऊंचे मिट्टी को दे करके। एंड इसमें पानी मेरे को देना पड़ता है, डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन पे पानी मैं दे ही देता हूँ इसमें। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पौधे के अंदर से अपने को यहाँ पे कोमल कोमल पत्ते देखने को मिल रहे हैं। एंड इन पत्तों को बचाने के लिए आपको फर्टिलाइजर यूज़ करना ही है, जो कि मेरे को, मेरे क्लाइमेट पर, मैं सच बोलूँ तो पौधे मेरे पास है, तो मेरे को प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा, आप देख सकते हो, इससे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रहा है मेरे को। तो यस गाइज, आप लोगों को फर्टिलाइजर यूज़ करना है, अदरवाइज ये पेड़ को सूखने के लिए छोड़ देंगे, जितने सारे अपने कीड़े मकोड़े दिख रहे। एंड दूसरा अपना जो स्पाइडर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो पत्ते पे बैठा हुआ है, आप लोग गौर से देखो गाइस यहाँ पे, तो ये इसको, पौधे को, जो ये पत्ता आपको कोमल दिख रहा है, इस पत्ते को ख़त्म कर दे रहा है ये कीट, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये कीट रहा अपना, एंड यही कीट बहुत ज़्यादा अपने पौधे को तंग कर रहा है, एंड जितने सारे कोमल पत्ते उनको खा जा रहा है। यहाँ पे एक आप देख सकते हो, ये इसका कोमल पत्ता भी निकल रहा है। एंड एक चीज़ मैंने करा है, जो मैं मान सकता हूँ कि मैंने गलती करा है, पौधों का जो टहनी होता है, छोटे छोटे कोमल कोमल टहनी, उसको मैंने कट कर दिया था, बिकॉज पौधा सीधा जाए इसके लिए। एंड कुछ पौधों को मैंने बांध रखा है जो कि यहाँ पे सीधा जा सके पौधा, क्योंकि क्या हुआ था, मैंने प्लांटेशन जब करा था तो पौधे थोड़ा, जब आया था कुरियर से, तो थोड़ा पौधा ढीला सा था, मतलब ऐसा झुका हुआ सा था, क्योंकि वो ऐसे ही करा हुआ था पैकेजिंग। तो यस गाइस, एक यहाँ पे, वहाँ पे मैंने 9 पौधे लगाए थे, और यहाँ पे टोटल 4 लगाया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे एक लगा दिया जो नया है, एंड बाकी उधर पुराना है। आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि ये सब वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आप लोग भी लगाना चाहते हो बिहार के क्लाइमेट में। इसका जो भी नेक्स्ट अपडेट कुछ होगा, कि ये पौधे बिहार के क्लाइमेट पे अपने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर आपको इसका पौधा भी चाहिए तो मैं अवेलेबल करा दूंगा, अभी तो नहीं, लेकिन मैं अवेलेबल करा दूंगा अगर आप बोलते हो तो, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, वीडियोस पे व्यूज़ आता है, तो मैं कमेंट आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, जब बहुत ज़्यादा कमेंट आएगा तो वीडियो पे व्यूज़ आएगा तो, ठीक है। फिलहाल ये पौधा है, मैंने टहनी कट कर दिया था, इसका नए नए ब्रांचेस निकल रहे हैं। एंड यस, आप लोग भी थोड़ा ऐसे सुधार कर सकते हो, एंड बाकी इससे ज़्यादा मेरे को क्या ही बोलना है। आप लोग देख सकते हो जो भी ये सब चीज़ें हैं, इसके ज़्यादा कीट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइज, यही सब वीडियो मैंने आपको बताना था, इसका कुछ प्रोग्रेस जो है, ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये अभी तो लग गया है, प्रॉपर तो लग ही गया है, बट अभी तक इसका प्रोग्रेस जो देखने को मिला है, अब इसका टाइम मेन आ रहा है पौधों को बढ़ने का। ये पौधा जनवरी के लास्ट यानी कि फरवरी में लगाया था, और आज 20 दिन हो चुका है, यानी कि मार्च का दिन है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच भाई लोग फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।